नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांडिंग वीडियो है साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SSC CPO मेंस का जो पेपर होता है 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के और 120 मिनट मिलते हैं यानी दो घंटे आपको, तो उसके बीच में विद इन टाइम आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करना है। इसके अलावा जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट है मार्क फॉर रिव्यू करके उनको दोबारा अटेम्प्ट करना है साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस तरीके से CPO मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करता हूँ साथियों, क्योंकि विद इन टाइम पेपर को अटेम्प्ट करना और अच्छे मार्क्स लाना ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कि विद इन टाइम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों मैंने CGL जो प्री का एग्जाम दिया उसमें मेरे लगभग 45 प्लस स्कोर है इंग्लिश में, इसके अलावा CHSL में मेरे 42.75 स्कोर है, CPO में मेरे 45 नंबर हैं। इसके अलावा मैं पिछली बार जब CPO मेंस दिया था उसमें मेरे 165 मार्क्स थे, 166 के करीब मार्क्स थे। तो ये सारी चीज़ें संभव हुई हैं केवल प्रैक्टिस की वजह से। और जैसे आप जानते हैं कि अब ऑफलाइन एग्जाम SSC का कोई होता नहीं, तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन फॉर्मेट में होना चाहिए। एज इट इज़ जैसा आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने को, वही सेम तरीका आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करना चाहिए। प्रैक्टिस आप वैसे करके जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी साथियों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जितने भी मेरे मार्क्स आए, फिर जितने भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, चाहे मेरा कोई भी एग्जाम निकला हो, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है टेस्ट बुक मॉक टेस्ट का। दोस्तों टेस्ट बुक मॉक टेस्ट 27 लाख प्लस एक्टिव मेंबर हैं इसके, और इसमें आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं लगभग 800 एग्जाम के साथियों। और टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट इसलिए भी रिलायबल हो जाता है साथियों क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उनको फिल्टर लगा के देख सकते हैं, जो सही हो रहे हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जो आपका वीक चैप्टर है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिनी टेस्ट, लाइव मॉक, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने नाउन का चैप्टर आज पढ़ा, नाउन के चैप्टर के आप चैप्टर टेस्ट आप लगा सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन, कितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आप मान लीजिए किसी भी केवल इंग्लिश का टेस्ट देना चाहते हैं आप उसका दे सकते हैं, केवल मैथ्स का देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, केवल रीजनिंग, केवल इंग्लिश, जो भी आप जिस भी सेक्शन का देना चाहें आप आसानी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, 27 लाख प्लस एक्टिव मेंबर है तो आपको कॉम्पिटिशन का लेवल भी जबरदस्त यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं मार्केट में लेकिन उस पर 10,000 15,000 20,000 कैंडिडेट मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे कंपटीशन का लेवल नहीं पता चलता है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट को, तो उससे रियल कंपटीशन का लेवल हमको पता चलता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो इसलिए मैं तो खुद SSC मतलब कि चाहे SSC के कोई भी एग्जाम हुआ, जितने भी मैंने आज तक दिए हैं, टेस्ट बुक के ही मॉक टेस्ट पे मैं डिपेंड करता हूँ, क्योंकि इसका जो लेवल होता है एग्जैक्टली एग्जाम के लेवल से मैच करता है। तो अगर आप लोग टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड आपको दिख रहा होगा कैपिटल लेटर में आनंद यूज करिएगा, आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 14 और 15 तारीख, इस पर सेल भी चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कूपन कोड करके परचेस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का लेवल एग्जैक्टली एग्जाम जैसा टेस्ट बुक पे ही आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा रिलायबल है। जितने भी कैंडिडेट आज तक सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो टॉपर हो या फिर सिलेक्टेड हो, वो सभी टेस्ट बुक का प्रमोशन इसीलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायबल यही है, क्योंकि इसमें जो रियल एग्जाम का लेवल वही आपको देखने को मिलता है साथियों। इसके अलावा मॉक टेस्ट के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एग्जाम से एक महीने पहले से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली एग्जाम का लेवल आता कैसा वो आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आप पास प्रो भी ले सकते हैं, सेम आप कूपन कोड यूज़ करिएगा, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। सेल चल रही है 14 और 15 तारीख को, तो आप आसानी से टेस्ट बुक का पास परचेस कीजिए, क्योंकि जितने भी इंप्रूवमेंट मुझे मिली है मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट बुक की ही वजह से मिली है। जितना मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपको वहाँ पता चलता है कि आपके अंदर कमी क्या है। इसमें आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि मेरा वीक एरिया क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। वीक एरिया अगर आपको पता चलेगा तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते चले जाइए आपके अंदर इंप्रूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने वीक एरिया पर इंप्रूवमेंट नहीं करें। अब मैं बात करता हूँ CPO का जो मेंस का एग्जाम होता है साथियों, इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए और मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, मैं अपना तरीका बताऊंगा, हो सकता है आपका तरीका इससे वेरी करे, मैं अपना तरीका बताऊंगा, अगर आपको सही लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं साथियों। CPO मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है, सिर्फ इंग्लिश के होते हैं साथियों। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन के लगभग मान के चलिए आप लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नरेशन और वॉइस के मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, और वोकैब के मिला के वोकैब आप मिला लीजिए, इसमें आपका idiom phrase हो गया, आपका synonym हो गया, antonym हो गया, ये सारी चीज़ें मिला के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं साथियों। कुछ phrasal verb के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें मिला के 200 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका है साथियों, मैं जब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, अगर मुझे पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का मिल गया मैं तुरंत उसको स्किप करूँगा। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपके आता है पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, इसके अलावा अनसीन पैसेज,
तो इसके क्वेश्चन आपको चाहे पहला ही क्वेश्चन देखने को मिला आप उसको तुरंत स्किप कीजिए। सबसे पहले मैं जो अटेम्प्ट करता हूँ सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, इसके अलावा जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस के क्वेश्चन होते हैं मैं सारे अटेम्प्ट करते जाता हूँ। यानी मैं शुरुआत में केवल स्किप करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के क्वेश्चन को, मैं बिल्कुल स्किप करता हुआ चला जाता हूँ। अगर इस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हैं साथियों तो आप एक घंटे के अंदर अंदर पूरे 200 क्वेश्चन देख लेते हैं और 200 क्वेश्चन में से आप लगभग 140 के करीब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या फिर जिसको नरेशन बोलते हैं या फिर एक्टिव पैसिव भी जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी क्वाइट ईजी होते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं लेकिन बाकी सब ईजी होते हैं। इसके अलावा जो आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर लेंगे एक घंटे के अंदर अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि भाई मेरे पास पूरा एक घंटा बचा और मैंने आधे से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर लिया साथियों। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अगर इसके अपोजिट आप अगर पहले कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में ही अटेम्प्ट करने में लग जाएंगे साथियों, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लगेंगे तो शुरुआत में होता क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन वाले क्वेश्चन है चाहे PGORS हो गया चाहे पैराजम्बल हो गया चाहे क्लोज टेस्ट हो गया काफ़ी लेंदी होते हैं, तो आपका टाइम इसी में आधा से ज़्यादा चला जाएगा। तो भले ही टाइम उतना ही लगता है वो बात अलग है, लेकिन मोरल हमारा डाउन हो जाएगा कि अभी मैंने केवल 25 30 35 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, मेरे एक घंटे बीत गए, मेरा पूरा पेपर मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो एक सही रणनीति के साथ अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तभी विद इन टाइम आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और डिसेंट मार्क आपके आएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि युद्ध तो करना है लेकिन युद्ध की रणनीति बेहतर होनी चाहिए तभी हमको जीत मिलेगी। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा यही तरीका है। मैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के जितने क्वेश्चन उसको मैं पूरा स्किप करता हुआ चला जाता हूँ। पहले मैं पूरे 200 क्वेश्चन एक घंटे के अंदर देख लेता हूँ, फिर एक घंटे जो बचते हैं उस पर मैं अपना अनसीन पैसेज करूँगा, क्लोज टेस्ट करूँगा, PQRS करूँगा। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो आपने देखे आपको आते ही हों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं साथियों जिसपे हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, जो हमको एकदम कन्फर्म है उसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जिसपे हमको डाउट है हम उसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। जब सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा फिर जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है उसको मैं देखता हूँ कि उसमें मतलब क्या मुझे डाउट था उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, फिर चारों ऑप्शन में से जो मुझे सही लगेगा मैं उसको कन्फर्म करता हूँ साथियों। अगर इस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर को आप 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर देख लेंगे, आपके पास 10 मिनट 5 मिनट बच भी जाएंगे आपके जो मार्क्स फॉर रिव्यू क्वेश्चन है उनको देखने के लिए साथियों। तो ये तरीका आपका भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में उलझ जाएंगे तो आप उलझे रह जाएंगे और बाकी पेपर आपका छूट जाएगा साथियों। मैं भी कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट दे रहा था जिसमें मैंने पहले कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में ही मैं उलझ गया, तो मेरे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन मेरे छूट गए, मैं उनको देख ही नहीं पाया। तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि आपको पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करना है फिर आपको पहले दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो आपको यही एक्सपेरिमेंट करके जाना, एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बेहतर रणनीति हो। तो मैंने कोशिश की है अपना अटेम्प्ट का तरीका बताने का, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। फिर जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे पूरा पेपर आपका जब सबमिट हो जाता है साथियों, तो आपको मॉक टेस्ट जो टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट है उसमें आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप फिल्टर लगा के सिर्फ आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, क्यों गलत हुए हैं, आपका तरीका क्या था, उनका सलूशन देख के आप देख सकते हैं उनका तरीका क्या था। इसके अलावा जो आपके ओवर टाइम जिसमें आपने ओवर टाइम लिया, मान लीजिए एवरेज किसी क्वेश्चन पे सभी ने 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड लिया है, अगर आप उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप 20 सेकंड ले रहे हैं 25 सेकंड ले रहे हैं तो आपका ओवर टाइम क्यों लग रहा है, केवल ओवर टाइम वाले क्वेश्चन में फिल्टर लगा के आप उसको देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, अपने वीक एरियाज क्या हैं आप उसको देख सकते हैं, अपने स्ट्रांग एरियाज क्या हैं, क्योंकि जब हमको पता होंगे हमारी वीक एरियाज क्या है हम उन पे ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया है उन पर थोड़ा कम मेहनत करेंगे। आपका वोकैब गलत हो रहा है कि आपका नरेशन गलत हो रहा है कि आपका वॉइस गलत हो रहा है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन गलत हो रहा है, यह सारी चीज़ें आप वहाँ से देख पाएंगे और आपको इंप्रूवमेंट इसी से होती है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा, और मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर देखिएगा या फिर मेरे नाम के साथ सर्च कीजिएगा आपको वीडियो मिलेगा। पूरा मॉक टेस्ट मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ साथियों। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ उसका एनालिसिस प्लस सही रणनीति क्या है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की, ये जरूरत है। क्योंकि विद इन टाइम पेपर अटेम्प्ट करना, अगर आपको ऐसे पेपर दे दिया जाए कि इस पूरे पेपर को आप सॉल्व करो और टाइम का कोई बाउंडेशन ना हो तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे और सही भी होगा, लेकिन विद इन टाइम एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना, डिसेंट मार्क लाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको पहले से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके यहाँ से जानी है। उसके लिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट बिल्कुल परचेस कीजिए, सबसे रिलायबल यही है और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन के लेवल आपको यहीं पता चलता है। तो इसके लिए आप लोग मेरा कूपन कोड आनंद यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यही इतना रहा, आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मेरा तरीका कैसा लगा आपको, आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा आपका तरीका क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो CTO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्जाम देने जाने वाले हैं साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर ऐसे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिलते हैं। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।